मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में आगे हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पैराडाइम चिंतन फलक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये हमारा पार्ट एक होगा। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें व्हाट इज पैराडाइम, पैराडाइम शिफ्ट एंड शॉक और बेसिक बुक और थिंकर्स जो हैं इसके, उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और जो डिवीज़न किया गया है पैराडाइम का, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि पैराडाइम का जो टॉपिक है बहुत ही विस्तृत है, अतः ध्यान से इसे समझना होगा। और भौगोलिक चिंतन का एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ये पक्ष है। तो चलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसको समझिए, क्योंकि निश्चित ही इससे प्रश्न आना तय रहता है परीक्षाओं में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि चिंतन फलक क्या होता है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये तो डिफिनेशंस आपको बहुत सारी बुक में मिल जाएंगी कि ज्ञान विज्ञान की कोई शाखा या उपशाखा सदैव एक संकल्पनात्मक सांचे के अंदर कार्य करती है और इसे ही हम चिंतन फलक कहते हैं। ये तत्कालीन प्रचलन में रहे हैं और नवीन शोधों के लिए निरंतर सिद्धांत प्रदान करते हैं। ये सारी जो भी बातें यहाँ लिखी गई हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है। ये तो हो गया, ये रटने वाली चीज हो गई, लेकिन अब ये क्या बात यहाँ पे की जा रही है इसको देखते हैं। चिंतन फलक का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक विचार है, वो आता है और वो पूरा बिल्कुल सभी लोग उसको मानने लगते हैं, यही है चिंतन फलक। क्रिकेट में आप देख रहे हैं, मान लीजिए इस टाइम पीरियड चल रहा है विराट कोहली का, तो सभी उनको मान रहे हैं कि हाँ वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। लेकिन इसमें ये चीज जरूरी है, अभी हम आगे वाले डिफिनेशन में देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि सभी विद्वानों की सहमति हो उसमें, लेकिन अधिकांश की सहमति होती है। अगर 100 हैं तो 100 में से 75 कह रहे हैं कि ये बात सही है। जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 ही कहें, लेकिन अगर मेजॉरिटी जिसकी है उसको हम कहेंगे कि ये चिंतन फलक हमारा चल रहा है इस समय। जैसा कि हमारी ये वाली डिफिनेशन बिल्कुल सटीक डिफिनेशन है कि चिंतन फलक अध्ययन का एक उपागम या एक विचार है, सैद्धांतिक विचार है, जिसे विषय से संबंधित अधिकांश विद्वानों की मान्यता या सहमति प्राप्त होती है। कितनी अच्छी डिफिनेशन है कि मान लीजिए कोई एक विचार आ गया, अब उस विषय से संबंधित जो अधिकांश विद्वान होंगे वो उसको सहमति देंगे कि हाँ भाई ये विचार आपका ठीक है। तो हो जाएगा कि इस समय इस टाइम पीरियड में ये चिंतन फलक चल रहा है। 100 में से मैक्सिमम मान लीजिए 80 लोगों ने कह दिया कि हाँ विराट कोहली इस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। भले 100 में से 100 ने नहीं कहा, बट 100 में से अगर 80-85 ने भी कह दिया तो मेजोरिटी तो आ गई। तो आपका हो गया कि ये उनका टाइम पीरियड चल रहा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, यही चीज होता है चिंतन फलक या पैराडाइम्स, एक प्रकार का विचार जिसको मैक्सिमम विचारकों की, विद्वानों की सहमति प्राप्त हो। मान लीजिए भूगोल के संदर्भ में मात्रात्मक क्रांति, अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद और मात्रात्मक क्रांति आई भूगोल में, तो उसका एक टाइम पीरियड है। अभी जब हम चिंतन फलक पढ़ेंगे तो उसका भी एक फेज आता है 1960 का दशक। तो ऐसा नहीं था कि 1960 के दशक में विद्वान सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म वाली ही सोच रखते थे, उसके विरोधी भी थे, लेकिन मेजॉरिटी किसकी थी, डोमिनेंस किन विद्वानों का था, डोमिनेंस उनका था, मेजॉरिटी उनकी थी जो 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति को समर्थन दे रहे थे। इसीलिए हम कह देते हैं कि 1960 का दशक मात्रात्मक क्रांति वाला टाइम पीरियड है भूगोल में। तो इसका ये मतलब नहीं कि उस समय के जितने विद्वान थे पूरे विश्व भर के सभी उसको मान रहे थे, सभी नहीं मान रहे थे बट मैक्सिमम मान रहे थे। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है।
तो चिंतन फलक एक प्रकार का विचार, सैद्धांतिक विचार, जिसे विषय से संबंधित अधिकांश विद्वानों की सहमति प्राप्त होती है, वही है चिंतन फलक। मतलब कि आपका जो चिंतन है, आप किस दिशा में सोच रहे हैं। मात्रात्मक क्रांति गई, फिर बिहेवियरलिज्म आया, व्यवहारवाद आया, फिर आपका कल्याणपरक भूगोल आया। तो ऐसे ऐसे चेंजेस भी होते गए क्रमशः। वो तो अभी हम जब जब पैराडाइम शिफ्ट पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे, अभी हम लोग बस बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो यही है इसकी सिंपल सी डिफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे कि पैराडाइम या चिंतन फलक का बेसिकली मतलब क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं जो हमने वहां पे लिखा था कि इसमें इंपॉर्टेंट बुक्स और थिंकर्स कौन से हैं। थॉमस कोहन, अमेरिकी विद्वान फेमस, और इनकी बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इसी पुस्तक में इन्होंने पैराडाइम के विषय में बताया है, स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, थॉमस कोहन। अगर हम लोग इस बुक के बारे में थोड़ा डिटेल में देखें तो इसका फर्स्ट एडिशन 1962 में आया और सेकंड एडिशन 1970 में आया। और पैराडाइम को डिफाइन इन्होंने सेकंड एडिशन में किया है। और ये डिफिनेशन भी आप इनकी लिख सकते हैं कि पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकों आदि का पूर्ण पुंज है, जिसमें किसी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है। बात वही कही जा रही है जो हमने ऊपर लिखी थी, बस उसको थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में लिख दिया गया है, तो थोड़ी सी डिफिनेशन कठिन लग रही होगी। तो अगर कहीं आपको जरूरत पड़े, आपका मेन उद्देश्य था मेन कॉन्सेप्ट को समझना, वो आप समझ चुके हैं। ये सारे डिफिनेशंस याद करने वाली होती हैं, आप इसको लिख सकते हैं, कहीं अगर जरूरत पड़े तो दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ उसे ही बताऊंगा, इनका नाम और ये इनकी बुक। और फर्स्ट एडिशन 1962 एंड सेकंड एडिशन 1970, यूनिवर्सिटी प्रेस शिकागो से ये पब्लिश हुई थी बुक। कोहन ने पैराडाइम के कॉन्सेप्ट को फेमस किया, मतलब सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया और इसे फेमस भी किया। फर्स्ट यूज ऑफ पैराडाइम इन जियोग्राफी। पैराडाइम वर्ल्ड का सबसे पहले प्रयोग अगर हम देखें तो हैगेट और शोल्डे ने अपनी बुक मॉडल्स इन जियोग्राफी में किया, जो कि 1967 में आई थी। पीटर हैगेट और आरजे शोल्डे ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट के बहुत ही बड़े जियोग्राफर माने जाते हैं दोनों लोग। जब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट तो वहां इन लोगों का नाम आएगा। तो इनकी फेमस बुक है मॉडल्स इन जियोग्राफी, और ऐसा कहा जाता है कि पैराडाइम वर्ल्ड का सबसे पहले यूज इन्होंने ही किया था। ये कुछ रटने वाली चीजें हैं, ज्यादा नहीं है, बस तीन ही बुक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन 1972, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, डेविड हार्वे। और पैराडाइम शब्दावली को प्रसिद्ध किया, मतलब कि मेन कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टार्टिंग की कोहन ने, उसका यूज करना शुरू किया शोल्ले और हैगेट ने, और फिर उसको और फेमस किया डेविड हार्वे ने। डेविड हार्वे का बहुत बड़ा नाम आएगा। डेविड हार्वे ने जो भी आगे अभी हम कंटेम्पोरेरी पैराडाइम्स पढ़ेंगे वहाँ इनका नाम आता रहेगा। तो इनके नाम से आप परिचित हो जाइए, अभी आगे इनसे मुलाकात हमें कई बार होगी। तो रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन 1972, और इनकी एक और बुक है एक्सप्लेनेशंस इन जियोग्राफी 1969। तो यहाँ पर आपको पैराडाइम से संबंधित चार पुस्तकें मिली। कौन कौन सी? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, मॉडल्स इन जियोग्राफी, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशंस इन जियोग्राफी, जिसमें कि रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशंस इन जियोग्राफी ये किसके किससे संबंधित है? ये डेविड हार्वे से संबंधित है। मॉडल्स इन जियोग्राफी हैगेट और शोरले की है, और थॉमस कोहन की है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपका काफ़ी कुछ तैयार हो गया होगा। हम लोगों ने चार बुक्स देखी और ये चारों की चारों बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जब भी पैराडाइम की बात आती है। अब आगे हम लोग का टॉपिक है चिंतन फलक प्रघात या चिंतन फलक स्थानांतरण। बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर मेन कॉन्सेप्ट की बात करें कि मान लीजिए एक विचार आया, बहुत ही सिंपल है,
ये सारी चीज़ें तो थोड़ी टफ लग रही होंगी, लेकिन जब ये मैं अभी इसे बता दूंगा तो आप कहेंगे कि बहुत ईजी है। मान लीजिए मात्रात्मक क्रांति का विचार आ गया गूगल में 1960 के दशक में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वही चलता रहेगा हमेशा, कभी तो उसकी आलोचना होगी। और जब उसकी आलोचना होगी तो वो विचार समाप्त हो जाएगा, दूसरा विचार अपना स्थान ले लेगा। इसे ही कहा जाता है चिंतन फलक प्रघात या चिंतन फलक स्थानांतरण। अगर हम इसको थोड़ा सा जैसे बुक्स में लिखा होगा कुछ उस तरीके से देखें, तो आप देखेंगे कि कोहन के विचार से सामान्य विज्ञान के विकास में असंगतियों के अवसादन तथा संचयन से संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। कोहन यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि जब भी आलोचना होती है तो आलोचना का अवसादन होता रहता है। थोड़ा इन्होंने जियोग्राफी ही वाले शब्दों का यूज कर दिया है। अवसादन का मतलब यहाँ मलबे के अवसाद से नहीं है, मतलब आलोचनाएं होती रहती हैं होती रहती हैं, मतलब एक समय ऐसा होता है कि आलोचनाओं का अंबार लग जाता है बिल्कुल, तो क्या होगा अंततः क्रांति के रूप में प्रकट होती है। यह क्रांति नए चिंतन फलक को जन्म देती है। यहाँ मैं एक चीज और ध्यान दिला दूं कि इस क्रांति का मतलब किसी वैसी क्रांति से नहीं है जिसमें खून खराबा हुआ हो, ये दूसरे प्रकार की क्रांति है। यहाँ क्रांति से मतलब है कि एक नया चिंतन फलक अपना स्थान ले लेता है, और जब नवीन चिंतन फलक अस्तित्व में आ जाता है तो वह पुराने चिंतन फलक को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। मान लीजिए एक समय था क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का, पॉजिटिविज्म का, लोगों को लगा कि पॉजिटिविज्म बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बाद में आलोचना भी हुई। जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे जब उसकी आलोचना हुई मात्रात्मक विधियों की, तो उसके बाद व्यवहारवाद आया, व्यवहारवाद की भी आलोचना हुई तो कल्याणपरक भूगोल आया। तो ऐसे क्रमशः आलोचनाएं होती गई, नए नए विचार अपना स्थान लेते गए, बस यही है और कोई नई चीज इसमें नहीं है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक विचार आता है, उसकी आलोचना होती है, फिर दूसरा विचार अपना स्थान ले लेता है। तो बस वही बात यहाँ पर बताई गई है, पैराडाइम शॉक एंड पैराडाइम शिफ्ट में। और चिंतन फलक के परिवर्तन की इस प्रक्रिया को हम चिंतन फलक प्रघात, पैराडाइम शॉक या चिंतन फलक स्थानांतरण, पैराडाइम शिफ्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वाली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रक्रिया में पुराने चिंतन फलक को हम पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं करते हैं, और कोई भी चिंतन फलक कभी भी हमेशा के लिए नष्ट नहीं होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को अपने पद से हटा के बिहेवियरलिज्म ने अपना स्थान जमा लिया, व्यवहारवाद आ गया उसके स्थान पे, फिर व्यवहारवाद को हटा के कल्याणवाद आ गया, मतलब विचार बदलते गए। लेकिन जो बिहेवियर, जो मान लीजिए बिहेवियरलिज्म ने जिस मात्रात्मक क्रांति को या प्रत्यक्षवाद को हटाया है, वो प्रत्यक्षवाद हमेशा हमेशा के लिए नहीं खत्म हो जाएगा, वो रहेगा। होगा क्या, अभी 100 में से 80 लोग प्रत्यक्षवाद को मान रहे थे, अब क्या होगा 100 में से 40 मानेंगे, 60 मानने लगेंगे व्यवहारवाद को, तो मेजोरिटी व्यवहारवाद के साथ हो जाएगी। हम यह कहने लगेंगे कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये व्यवहारवाद का चल रहा है, ये दशक व्यवहारवाद का चल रहा है। और सरल सरल एग्जाम्पल मान लीजिए, मैं क्रिकेट से एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए विराट कोहली को मैंने बताया था कि एक समय उनका टाइम पीरियड चल रहा है, मान लीजिए कुछ समय बाद उनकी भगवान न करे उनके खेल में खराबी हो, कभी वैसे ही हमारे देश को जिताते रहे, लेकिन मान लीजिए थोड़ा डाउन आता है उनके परफॉर्मेंस में, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग कहने लगेंगे कि नहीं ये खराब है, कुछ 100 में से मान लीजिए जो 80 उनको अच्छा कह रहे थे उसमें से मैक्सिमम कहने लगे कि ये नहीं ठीक है, तो उनका स्थान हट जाएगा, फिर उनके स्थान पे हम किसी दूसरे को लेते आएंगे कि नहीं भाई ये खिलाड़ी इस समय सर्वश्रेष्ठ है, इसका टाइम पीरियड चल रहा है। लेकिन जिनको हम हटाए हैं वो पूर्णतया तो नहीं हटे हैं, वो भी अपने स्थान पे हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि किसी भी पुराने चिंतन फलक को हम पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं करते हैं, हाँ उसके उसको सहमति प्रदान करने वालों की थोड़ी कमी बस हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो चिंतन फलक बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, एक भी व्यक्ति उसको नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं होता है, उसको मानने वालों की संख्या में बस कमी आती है, बस यही चीज होती है। तो यही इसका बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पैराडाइम शिफ्ट और पैराडाइम शॉक का। और यहाँ मैंने और थोड़ा व्याख्या करके लिखा है कि
कि जब प्रचलित पैराडाइम नवीन सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, जैसे कि करंट में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मात्रात्मक क्रांति आई, लेकिन मात्रात्मक क्रांति आई अच्छे कार्य के लिए थी, लेकिन वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई, तो फिर दूसरे चिंतन पुलक ने अपना स्थान ले लिया। रेडिकल जियोग्राफी आई थी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन उसने अपना कार्य नहीं कर पाया, तो फिर दूसरे चिंतन पुलक ने वहाँ पर अपना स्थान ले लिया। तो जब नवीन सिद्धांतों की आवश्यकताओं को की पूर्ति कोई विचार नहीं कर पाता है, तो नए चिंतन फलक या नए विचार का उद्भव होता है, जैसे पॉजिटिविज्म टू रेडिकलिज्म, फिर रेडिकल के बाद बिहेवियरल, ऐसे ऐसे चेंजेस होते चले गए। और मुझे यहां से उम्मीद है कि आपका पैराडाइम क्या होता है, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट थिंकर्स, और पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, पैराडाइम शॉक क्या होता है, ये चीजें आपकी निश्चित ही क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे, मैंने पैराडाइम शिफ्ट की, अभी तो हमने पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझा, अब हम लोग पैराडाइम शिफ्ट की प्रक्रिया को देखेंगे। ये मैंने बॉक्स में एक मॉडल के रूप में बना दिया है, जिससे टॉपिक थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहले लिखा है प्री पैराडाइम स्टेज, इनिशियल पैराडाइम, एनोमलीज, सेडिमेंटेशन, एक्यूमुलेशन, रिवोल्यूशन, न्यू पैराडाइम टेक्स प्लेस। ये चीज़ आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। कहने का क्या मतलब है, प्री पैराडाइम स्टेज मतलब पैराडाइम से पहले की एक अवस्था, कोई चिंतन फलक रहा होगा, उसके पश्चात क्या होता है, इनिशियल पैराडाइम, पैराडाइम अपने बस इनिशियल स्टेज पे है अभी, फिर उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें एनोमलीज, सेडिमेंटेशन, कमियां आना शुरू हुई, कमियों का साधन होना शुरू हुआ, एक्यूमुलेशन, फिर रिवॉल्यूशन अर्थात क्रांति हुई, और फिर नए पैराडाइम ने, नए चिंतन फलक ने अपना स्थान ले लिया। तो प्री पैराडाइम स्टेज पैराडाइम से पहले की अवस्था, इनिशियल पैराडाइम बिल्कुल पैराडाइम अपने शुरुआती स्टेज में है, फिर उसमें कमियां आई, कमियों का संचयन हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, फिर क्रांति वाली स्थिति आ गई। मतलब क्रांति का तात्पर्य जैसे मैंने बताया था कि ये इस प्रकार की क्रांति का मतलब है कि उस पैराडाइम को हटा के दूसरे पैराडाइम ने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना स्थान प्राप्त कर लिया, और न्यू पैराडाइम टेक्स प्लेस, नए पैराडाइम ने अपना स्थान ले लिया। ये पूरी एक टाइम लाइन बताई है कुवन महोदय ने। ये इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। अगर एग्जाम्पल को यहाँ पर रख के देखें, मान लीजिए कि इनिशियल पैराडाइम में मात्रात्मक क्रांति अपना इनिशियल स्टेज में है और ठीक ठाक लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग, 1960 का दशक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कमियां आना शुरू हुई, आलोचना धीरे धीरे शुरू होती है, ऐसा थोड़े कि अचानक से सबके सब आलोचक ही हो जाएंगे, धीरे धीरे आलोचना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे सेडिमेंटेशन का मतलब आलोचनाएं होती गई होती गई होती गई, आलोचना का जमाव होता गया, कहने का मतलब है जियोग्राफी के उस तरीके से अगर शब्दों में कहें तो सेडिमेंटेशन कहा गया है, अगर ऐसे समझने के लिए तो आलोचनाएं होती गई, आलोचनाओं का जमाव होता गया, मतलब ढेर सारी आलोचनाएं हुई, एक्यूमुलेशन होने लगा आलोचनाओं का, फिर रिवॉल्यूशन अर्थात क्रांति वाली स्थिति आ गई, और अंततः नए पैराडाइम ने अपना स्थान ले लिया, अर्थात कौन सा, व्यवहारवाद आ गया, क्योंकि आलोचना हुई थी मात्र, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे कि मात्रात्मक क्रांति की इसी बात पर आलोचना हुई थी कि हर चीज को हम, कुछ चीजें मनुष्य के व्यवहार से भी संबंधित होती हैं, हर चीज को हम मैथ जियोमेट्री से नहीं बता सकते हैं, इस प्रकार की आलोचनाएं हुई थी पॉजिटिविज्म की और मात्रात्मक क्रांति की। तो फिर न्यू पैराडाइम टेक्स प्लेस, नए पैराडाइम ने अपना स्थान ले लिया, व्यवहारवाद ने, बिहेवियरिज्म ने अपना स्थान ले लिया। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है जो कि कुवन ने बताई है। अब जितना भी मैं आपको टेक्स्ट दिखाता जा रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इसका भी स्क्रीनशॉट लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इनके ग्राफ का अध्ययन करते हैं। ये अभी जो हम लोगों ने कुवन की बात की, जो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है, टाइमलाइन जो भी हमने देखी जस्ट पहले, उसी का एक आरेखीय प्रदर्शन है। आइए इसको देखते हैं। इनिशियल फेज ऑफ पैराडाइम, इनिशियल फेज है नो पैराडाइम, मान लीजिए कोई चिंतन फलक नहीं है, एक कल्पना की गई है, फिर पैराडाइम फेज वन, क्राइसिस फेज, फिर दूसरा पैराडाइम आया,
फिर क्राइसिस फेज, फिर तीसरा पैराडाइम आया। क्राइसिस फेज में क्या होता है, क्राइसिस फेज में, क्राइसिस का मतलब क्या होता है, संकट, अर्थात उसमें जो हमने अवसादन वाली बात की थी, जो एक्यूमुलेशन वाली बात की थी, जो रिवॉल्यूशन वाली बात की थी, एनोमलीज, सेडिमेंटेशन, एक्यूमुलेशन और रिवॉल्यूशन, ये पूरी चीज यहाँ होगी क्राइसिस फेज में, और फिर दूसरा पैराडाइम अपना स्थान ले लेगा। फिर यही सारी चीजें क्राइसिस फेज में होंगी, एनोमलीज, सेडिमेंटेशन, एक्यूमुलेशन, रिवॉल्यूशन, फिर तीसरा पैराडाइम अपना स्थान ले लेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, इनिशियल फेज में मान लीजिए कोई पैराडाइम नहीं है, कल्पना वाली बात है ये, फिर पहला पैराडाइम आया, उसमें कमियां आई क्राइसिस फेज में, फिर दूसरा पैराडाइम ने अपना स्थान ले लिया, फिर क्राइसिस फेज आया, फिर तीसरे पैराडाइम ने अपना स्थान ले लिया। क्राइसिस फेज मतलब इस पैराडाइम के लिए क्राइसिस फेज है, संकट की स्थिति है, क्योंकि संकट कब होगा, जब किसी चीज की आलोचना होगी, मतलब उसके ऊपर संकट आ चुका है, इस तरीके से समझिए। क्राइसिस फेज मतलब अगर हम पैराडाइम एक के संदर्भ में देखें तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, आलोचनाएं होने लगी, आलोचनाओं का सेडिमेंटेशन होने लगा, एक्यूमुलेशन होने लगा, रिवॉल्यूशन होने लगा, फिर पैराडाइम टू ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यही घटना इसके साथ घटी, फिर पैराडाइम थ्री ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा और पैराडाइम वन बाय वन चेंज होते जाएंगे, विचार बदलते जाएंगे। और ये दिखाया गया लेवल ऑफ रिसर्च इन अ सब्जेक्ट। लेवल ऑफ रिसर्च इन अ सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी विषय में अनुसंधान का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे नए नए विचार आते जाएंगे, और कोई पैराडाइम जो पहले सबके लिए अच्छा था, वो लोगों को और ज्यादा उचित विचार की जरूरत महसूस होगी और विचार बदलते जाएंगे। तो लेवल ऑफ रिसर्च इन अ सब्जेक्ट, और इधर दिखाया गया है पैराडाइम्स का बदलना। तो ये है ग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बनाइए। बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, जो हमने बुक्स में आपको थोड़ा टफ मिलेगा ये, तो मैंने थोड़ा इसे ईजी करके बनाया है। जो अभी हमने प्री पैराडाइम स्टेज, इनिशियल पैराडाइम, एनोमलीज, जो पूरा टाइमलाइन देखा था, उसी के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, कोई नई चीज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने स्टार्टिंग की सारी चीजें अच्छे से समझी हैं, तो ये ग्राफ बहुत आसान होगा आपके लिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैराडाइम का, जो हमारा आखिरी टॉपिक था वो है इसका विभाजन। एक तो पैराडाइम का बेसिक क्लासिफिकेशन है, वो भी बाद में पढ़ेंगे। मार्गरेट मास्टरमैन, मार्गरेट मास्टरमैन कोहन की शिष्या थी, उनकी प्रशंसक थी और उनकी आलोचक भी थी। इन्होंने, मैं बेसिक सी चीज है इसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये पूछा जाता है और बहुत सारे लोग बेसिक क्लासिफिकेशन तो पढ़ लेते हैं बट ये वाला क्लासिफिकेशन छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। मास्टरमैन ने, मार्गरेट मास्टरमैन ने इसको तीन भागों में बांटा था, कंस्ट्रक्ट पैराडाइम, सोशियोलॉजिकल पैराडाइम और ग्लोबल पैराडाइम। सबसे बाहर वाला नारंगी कलर से ये ग्लोबल पैराडाइम दिखाया गया है, फिर सोशियोलॉजिकल पैराडाइम को दिखाया गया है और सबसे अंदर वाला कंस्ट्रक्ट पैराडाइम को दिखाया गया है। ये होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल पैराडाइम हम उन विचार को कहेंगे, मान लीजिए कोई एक ऐसा सार्वभौमिक विचार है जो सभी लोग मान रहे हैं, तो वो हो जाएगा ग्लोबल पैराडाइम। उससे छोटे लेवल का कोई विचार है जिसको कुछ क्षेत्रों में लोग मान रहे हैं, तो वो हो जाएगा सोशियोलॉजिकल पैराडाइम। और जो येलो कलर से दिखाया गया है वो कंस्ट्रक्ट पैराडाइम, वो किसी निश्चित क्षेत्र का विचार हो सकता है। तो विचार जो ग्लोबली सभी मान रहे हैं तो वो ग्लोबल पैराडाइम हो गया, उससे छोटे लेवल का सोशियोलॉजिकल पैराडाइम, और सबसे छोटे लेवल का अगर कोई विचार है, कोई सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्ट पैराडाइम। यही बताया गया कि ये स्केल आपका छोटा होता चला गया है, क्रम वन बाय वन क्रमशः, सबसे बड़े लेवल पे ग्लोबल पैराडाइम कोई विचार या सिद्धांत, उससे छोटे लेवल पे सोशियोलॉजिकल पैराडाइम और सबसे छोटे लेवल पे कंस्ट्रक्ट पैराडाइम। तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है मार्गरेट मास्टरमैन का, जो कि जानना जरूरी हो जाता है अगर आप पैराडाइम को पढ़ रहे हैं तो। अब आइए हम लोग उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो मास्टरमाइंड का क्लासिफिकेशन था।
लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है भूगोल में पैराडाइम या चिंतन फलक का जो ये क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो पैराडाइम को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत या ट्रेडिशनल पैराडाइम और समकालीन या कंटेम्परेरी पैराडाइम। परंपरागत चिंतन फलक में जब से भूगोल की शुरुआत हुई है, अगर आपको भौगोलिक चिंतन के इतिहास याद होगा जो भी हमने पढ़ा है लेक्चर्स, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, एंशियंट क्लासिकल पीरियड में ग्रीस जियोग्राफर से। तो ग्रीस जियोग्राफर वाला जो टॉपिक था वहां से हम एक तरीके से मानते हैं कि भूगोल में अध्ययन शुरू हुआ। होमर, थेल्स, अनैक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस जैसे विद्वानों की हम लोगों ने स्टडी की थी। वहां से लेकर के 1950 तक के जितने भी विचार भूगोल में आए, ध्यान से सुनिए, भूगोल में स्टार्टिंग से लेकर के टिल 1950, 1950 तक के जितने भी विचार आए उसको हम ट्रेडिशनल पैराडाइम के अंतर्गत शामिल करते हैं। और समकालीन चिंतन फलक में 1950 के बाद से अभी तक जो चीजें आ रही हैं वो चीजें आ जाती हैं समकालीन चिंतन फलक में। फिर से हम बता दें, स्टार्टिंग से लेकर 1950 तक ट्रेडिशनल पैराडाइम, और 1950 के बाद से जो अभी का समय चला आ रहा है वो पूरा का पूरा हो जाएगा कंटेम्परेरी या समकालीन चिंतन फलक, कंटेम्परेरी पैराडाइम। पांच इसमें हैं और पांच इसमें, हालांकि इसमें पांच का मतलब मेनली हम पढ़ते पांच हैं, इसमें तो निरंतर क्या कहते हैं, नई नई खोजें होती जा रही हैं तो नए नए विचार आते जा रहे हैं। बेसिकली इसमें जो हम पांच पढ़ते हैं, टेलियोलॉजिकल डिस्क्रिप्टिव, उद्देश्यवादी वर्णनात्मक चिंतन फलक, छायावादी विश्लेषणात्मक चिंतन फलक, पर्यावरणवादी चिंतन फलक, इन्वायरमेंटलिस्टिक, संभववादी पॉसिबिलिस्टिक और बहुविस्तारी कोरोलॉजिकल। इसको मैंने याद करने के लिए शॉर्ट में लिख दिया है TREPC, टेलियोलॉजिकल डिस्क्रिप्टिव पैराडाइम, रोमांटिक एनालिटिकल पैराडाइम, इन्वायरमेंटलिस्टिक पैराडाइम, पॉसिबिलिस्टिक पैराडाइम और कोरोलॉजिकल पैराडाइम। तो ये आपके पांच हो जाएंगे ट्रेडिशनल। और समकालीन में पॉजिटिविस्टिक, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और वेलफेयर, प्रत्यक्षवादी, व्यवहार परक, मानववादी, क्रांति परक और कल्याण परक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पांचों के पांचों, PBHRW। तो TREPC से आप इनको याद कर सकते हैं, और PBHRW से पॉजिटिविस्टिक, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और वेलफेयर, इस ट्रिक से आप इन पांचों को याद कर सकते हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे समकालीन चिंतन फलक। तो इस प्रकार से हमारा आज का पैराडाइम का पहला अध्याय यहीं भी समाप्त होता है। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल समाप्त कर दूँ, जिससे कि अब अगले अध्याय में हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे अपने परंपरागत चिंतन फलक पे। फिर अगले उसके बाद हम लोग समकालीन पे बात करेंगे, और फिर अभी तो खैर काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, अभी तो प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, मानववाद को हम लोग को एक एक करके डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी प्रकार जुड़े रहिए, आगे हम लोग पैराडाइम में भी आगे और चीजें पढ़ेंगे। और जो हमारा अगला अध्याय होगा वो होगा ट्रेडिशनल पैराडाइम के विषय में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। मित्रों, ये उन सभी विद्वानों की तस्वीरें हैं जिनकी चर्चा हमने इस टॉपिक में की है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वो सारी पुस्तकें हैं जिनकी चर्चा हमने अध्ययन के दौरान की। ये तीनों पैराडाइम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आप इनके नाम नोट कर लीजिए और इनको देख लीजिए।